नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र चल रहा है। सत्र छोटा है, चार दिनों का ये सत्र है, लेकिन इस दौरान जहां जनता के मुद्दों को उठना चाहिए, ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 3 दिन और 72 मिनट ही महज कार्रवाई हुई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हंगामे के बीच में कैसे जनता के मुद्दे गौण हो रहे हैं और सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ सदन की कार्रवाई नजर आ रही है। हम सीधे रुख करेंगे पटना का, जहां हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हमारे साथ अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस से आदित्य जी होंगे, थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अखिलेश जी, सवाल आपसे, बहुत छोटा ये मॉनसून सत्र है और 3 दिनों की कार्रवाई में महज 72 मिनट ही सदन चल पाया, आखिर क्यों? सदन की बात तो छोड़ दीजिए, बिहार भी नहीं चल रहा है, हम क्या बात करें अभी सदन की। आप आज परिस्थिति यह है कि सदन के अंदर ये पूर्ण के मामले पर भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य ने विषय को उठाया और कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। मजाक हो रहा है या सदन चलाया जा रहा है? सवाल उठता है कि जो नीतीश कुमार साफ साफ कहते थे कि करप्शन, क्राइम और क्या कहते हैं कास्ट कम्युनलिज्म, इससे हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इतने कॉम्प्रोमाइजिंग कैसे हो गए? ये बगल में अपने बैठा रहे हैं वो व्यक्ति जो 4 सीटें है और बिहार के लोगों को चिढ़ा रहे हैं कि इसने बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा है, उस व्यक्ति को उपमुख्यमंत्री बनाकर रखे हैं और सदन जिस दिन चलता है उसको अपनी गाड़ी में बिठा करके ले आते हैं। ये सदन किस बात के लिए चलेगी? जनहित के लिए चलेगी। लेकिन यदि बिहार के अंदर जनहित ये है कि हमको जितना जल्दी हो सके तो इन दोनों से मुक्ति मिले, तो इस जनहित को पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, प्रायोरिटी इस जनहित को मिलनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने बिल्कुल अब 1 मिनट भी बिहार के माथे पर इन लोग ये लोग अगर बैठे हैं तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इनका जितना जल्दी जाना होगा, जितना जल्दी ये मुक्ति दे बिहार को, उतना ही जल्दी बिहार अपने आप को सुकून महसूस करेगा। क्योंकि क्या बचा है? भ्रष्टाचार हो रहा है, अपराध का ग्राफ बढ़ा ही है और इसके अलावा भ्रष्टाचारी सत्ता में बैठे हैं। और आपने देखा शिक्षा विभाग में क्या हुआ, शिक्षा विभाग में जो प्रवचन दे रहे थे रामजी पर और रामायण पर, रामचरित मानस पर, और कल होकर के क्या हुआ, शिक्षा विभाग का क्या हुआ, मैं करके फजीहत हो गई शिक्षा विभाग, शिक्षा चौपट। सवाल होता है कि जब सेशन लेट है, 40 दिनों के अंदर परीक्षा पत्र का प्रकाशन नहीं हो रहा है, एकेडमिक कैलेंडर आप नहीं बना पा रहे हैं और ये काम नहीं करिएगा, रामचरित मानस पर प्रवचन दीजिएगा और आपस में अभी नाता नाती कर लीजिए, दोनों पार्टी एक दूसरे को जो एक्यूज कर बनाने में तुल गई। और फिर देखिए जब शिक्षक अभ्यर्थी शहर में आते हैं पटना में अपनी बात को रखने के लिए तो उन पर लाठियां भी चल रही है, तो क्या माने इस बात को? ये सरकार चल रही है, सदन में क्या बात होगा? पहले तो ये जवाब देना कि शिक्षकों पर लाठियां क्यों चलाए। आखिर सिर्फ विपक्ष के पास एक यही मुद्दा बच गया है, जनहित के कोई मुद्दे नहीं है जिस पर सवाल को सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। आपने ऐसा क्रम क्यों किया जिसके चलते शिक्षक को आंदोलन करना पड़ा है, अभ्यर्थियों का आंदोलन कर रहा है जो 16 वर्ष 17 वर्ष 12 वर्ष से नौकरी कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं बीपीएससी कंप्लीट करो। मैं पूछता हूँ किसी जिलाधिकारी को कहा जाएगा यूपीएससी कंप्लीट करने के लिए? करेगा? किसी एसपी को कहिए कि जाकर के जरा एक बार दौड़ करके दिखाओ, दौड़ेगा? और इनको ये कह रहे, ये सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। आज किसान कृषि समन्वयकों को, कृषि सलाहकारों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा, ये एनार्की है। और ये आवाज समझ लीजिए जिस प्रकार से इस बिहार के अंदर इन लोगों ने जो बना करके रखा है अराजक स्थिति, जो अराजकता है बिहार के अंदर, ये अराजकता अब बर्दाश्त के काबिल है, अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सदन तब चलेगा जब ये भ्रष्टाचारी ये क्या कहते हैं कि मुक्त करेंगे बिहार सत्ता को, सवाल तब चलेगा जब शिक्षकों के सवाल पर इनको जवाब देना पड़ेगा, लाठी क्यों चलाओ इस तरह। हम तो खोज रहे हैं तेजस्वी जी, वो कलम कहाँ है? तो कहा ना अखिलेश जी की नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका दिया जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है कि आप बोलिए, लेकिन वो कुछ और बयान देते हैं और सिर्फ हंगामा होता है। कैबिनेट में देखे और क्या आप कहाँ भूल गए वो कलम। तो ये मामले है और इन मामलों को लेकर के हम सब संघर्षरत है, हम सदन से सड़क तक इस सरकार के नाक में दम करके रख देंगे और एक सशक्त और एक जागरूक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे।
चलिए, तो जब तक आपका मानना है कि तेजस्वी से इस्तीफा नहीं लेते हैं नीतीश कुमार, तो सदन चलने नहीं दिया जाएगा, यही मुख्य मांग है फिलहाल आपकी? आवाज मिल रही है? आवाज नहीं आ रही। अखिलेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? अखिलेश जी, आवाज मिल रही है? जी हाँ, हाँ, आपका आवाज आ रही है। अखिलेश जी, क्या बीजेपी के पास सिर्फ एक यही वजह है कि जब तक तेजस्वी से इस्तीफा नहीं लेते नीतीश कुमार, सदन चलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाकी जो मुद्दे आप गिना रहे हैं, अगर सदन नहीं चलेगा उस पर आप सरकार से जवाब कैसे ले पाएंगे? सरकार जवाब देने को कहां तैयार? मैं आपको बता रहा हूं ना, आज विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक विधानसभा के सदस्य ने ये पुल का मामला उठाया, जवाब देने के लिए कोई नहीं था, वो क्वेश्चन पास कर गया। आप समझ सकते हैं इस बात को, 1700 करोड़ रुपए का जो पुल गिरा और उस पुल पर प्रश्न किया गया है, कोई जवाब देने के लिए नहीं था जो अधिकृत व्यक्ति हो आप, कोई मंत्री नहीं, कोई मंत्री दूसरे किसी मंत्री को भी नहीं पता। देखिए, ये मजाक हो रहा है, हम जो मजाक देखे हैं 90 से 2005 के उस दौर को, उसी दौर में बिहार चला गया जिसमें सत्ता को मजाक बनाया गया था, जिस समय जो की मुख्यमंत्री आवास में जो जो होता था, जो नाच डांस होता था और वहां पर संगठित अपराध का गिरोह वहां पर बैठा रहता था, वही उसी दौर में बिहार को ले जाया गया है। नीतीश कुमार जी को मैं फिर से कहना चाहता हूं, आपको बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने सत्ता सौंपा था और लोगों को यह भरोसा था कम से कम आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करिएगा इन सब ताकतों के साथ, लेकिन आज जो आप जाते वक्त ये कर गए ना, पीढ़ियां याद रखेंगी आपको, और इस बात के लिए जिन लोगों को पीढ़ियां याद रखी है कि वो थरथराता स्याह बिहार जिसमें हर आदमी जो उसके डर के मारे कांपता होता था, उसी को फिर से वापसी करने के आपके प्रयास के लिए आपको पीढ़ियां याद रखेंगी बिहार। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बिहार के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं और ये सदन के अंदर ये लोग जितने गैर जवाब दे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि सदन के अंदर बैठ करके वहां कोई सोल्यूशन, पहले इस्तीफा करें। भ्रष्टाचारी व्यक्ति सदन में उपनेता बनकर के बैठा रहेगा और वहां पर वो चर्चा करेगा, ये नहीं चलेगा। आपने सुचिता का बराबर जो है सुखी उदाहरण देने का काम किया है, आप इस्तीफा करवाइए फिर उसके बाद में, और इन सब बातों पर सरकार स्पष्टीकरण देना, कौन रोके हुए है इनको सदन के अंदर? ठीक है, जवाब सवाल कर, आप कौन रोके हुए कि ये शिक्षक भर्ती में आप जो ये अनाप शनाप का निर्णय लिए हैं, इस पर क्या होगा? किसी ने नहीं रोका है। आप बताइए ना कि पुल गिर गया और उस पुल के गिरने के लिए जो व्यक्ति जवाबदेह था, उसी व्यक्ति को उसका जान दे दिया, ऐसे कैसे चलेगा? ये नहीं चलेगा। और इसलिए मैं समझता हूँ, तैयारी क्या है अखिलेश जी, जिस तरह के तेवर नजर आ रहे हैं लगातार बीजेपी के सदन के में कार्रवाई के दौरान, कल विधानसभा का घेराव कार्यक्रम है, किस तरह की तैयारी नजर आ रही है? बिल्कुल तैयारी है, और तैयारी ऐसी है कि अब तक जो इन्होंने किया है बिहार के अंदर, और लगातार ये जो सफर होते रहे हैं, शिक्षकों पर लाठी चलाए, फिर उसके बाद शिक्षकों को कल की स्थिति यह थी कि मैं उसका तस्दीद गवाह कि किस तरह से पुलिस रास्ते में शिक्षकों को रोक रही और जहां थी वहीं से वापस कर रही, तो इसको भी हमने देखा। और आज कल जो है पूरी छावनी बनाकर रख दिया गया था, शिक्षकों को जाने नहीं दिया गया था, इसके पहले शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठियां भी चली है, और आज कृषि समन्वयकों पर जिस प्रकार से लाठियां चली है कृषि सलाहकारों पर, उनके जायज मांगों को नहीं माना गया, उनसे कोई वार्ता नहीं की गई। सवाल उठता है कि आप 4 प्रतिनिधियों को बुला करके वार्ता करते, जो उचित आश्वासनता देते, उनके मांगों की लिस्ट होगी उसमें कुछ तो मांग लेते, और कुल मिलाकर के ये रोका जा सकता था। लेकिन मैं आज चेतावनी भरे लहजे में कह रहा हूं, आदत भूल जाइए, कल पटना के सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता सर में कफन बांधकर उतरेंगे। और चुनौती है इस बिहार की सरकार को कि हम तो ये नारा लगाएंगे, जोर है कितना दमन में तेरे देख लिए हम, देख लिया है, देखेंगे आप कितना दमन कर सकते हैं, इसको हम देखने के लिए तैयार हैं। और आइए, जब हम लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे, आप लाठी तंत्र को लेकर के आइए, लोकतंत्र लाठी तंत्र में दल का मुकाबला है, देखते हैं कौन जीतता है इस मुकाबले के।
बीजेपी की पूरी तैयारी है सरकार को हर तरफ से घेरने की, और शिक्षक वाला मुद्दा भी काफी गरमाया हुआ है अखिलेश जी। अमूमन जो देखा गया है कि नीतीश कुमार अपने फैसलों से पीछे हटते नहीं है, यानी जो उनके मुख्यमंत्री काल में जो उन्होंने फैसले लिए, हालांकि शराब से मौत मामले में मुआवजे में वो माने हैं और मुआवजा अब मिलने लगा है, लेकिन क्या इस मामले में लग रहा है जो दबिश बनाई जा रही, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को घेर रहा है, शिक्षक भी आंदोलनरत हैं, सरकार बैकफुट पर आएगी? देखिए एक बात समझ लीजिए, ये बात वो दौर चला गया जब ये कहा जाता था कि नीतीश कुमार जी जो फैसले लेते हैं उससे वापस नहीं होते। अब तो ये हालत है कि देश के अंदर अगर यूटर्न लेने वाले यूटर्न के मामले में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी कीर्तिमान स्थापित करेंगे। ये पलटी मारने में मैं समझता हूं कि देश की राजनीति में कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकेगा। अभी अभी पलटी मारे ना, जिस व्यक्ति ने कहा कि पियोगे तो मरोगे, यू टर्न लिया, 4 लाख रुपया दिया, हमारे दबाव में दिया था, और हम तो जो जो जिस बात के लिए आप उनके इनको मजबूरी में मानना पड़ा है। और इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी अगर यू टर्न ले लिए तो ये अच्छी बात है, और अगर नहीं लिए तो ये बात समझ। फिर से यू टर्न बीजेपी की तरफ हो तब अखिलेश जी? ना ना, इधर तो दरवाजा बंद हो गया है, बहुत प्रयास किए लेकिन हमने कह दिया कि ये दरवाजे आपके लिए बंद हो गए, आपके जैसे बेवफा को घर में रखने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ऐसे बेवफा के लिए रास्ते खुले हैं। कहा जाता है ना कि राजनीति में संभावनाओं का द्वार हमेशा खुला रहता है, ये संभावना बिल्कुल समाप्त हो गई है। बेवफा को एक बार हम फिर से हमने मौका दिया कि कहीं वफाई कुछ बची होगी, लेकिन अब हमने देखा कि इस बेवफा में वफाई की कोई भी एक छोटी सी एक जर्रा भी नहीं है, छोटा सा, तो हमने छोड़ दिया है कि जाओ गलियों में ढूंढो, देखो तुमको कोई वफा। वाकई बेवफाई एक तरफा थी, एक तरफा बेवफाई होती है। नहीं तो मैं वो बता रहा हूँ कि जाओ ढूंढो तुम बेवफा को, कोई वफा ही मिले या फिर कोई वफा वाला कोई साजन मिल जाए तो ढूंढ लेना, लेकिन ये दरवाजे तो तुम्हारे लिए बंद है। अब फिर इस दरवाजे में आने का कोई सवाल नहीं उठता है, ये घर के दरवाजे बंद है। और ये समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने अपना कुनबा तैयार किया हुआ, और ये कुनबा एक ऐसा कुनबा है कि 2024 और 2025 के दोनों चुनाव में अपना बिहार के अंदर परचम लहराएगा और यहाँ पर अपने वोटों का और सीटों का कीर्तिमान स्थापित करेगा। और दूसरी बात, फिर एक बार मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि बिहार के अंदर एक ऐसी रचनात्मक, ऐसी सकारात्मक 2025 में सरकार बनेगी जो सरकार बिहार के कल्याण के लिए, बिहार के हर आदमी के कल्याण। आपने देखा ना, देश के अंदर 1999 से लेकर 2005 तक एक सरकार चली थी जिसने सरकार ने देश के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया क्रांति, एक नई दिशा देने का काम किया, आम आदमी के लिए काम होना शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद फिर से अंधेरा। लेकिन 2014 के बाद जो सरकार बनी, जो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी और देश के अंदर परिवर्तन का एक नया इतिहास लिख दिया। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं बिहार के अंदर भी 2025 में एक ऐसी सरकार बनेगी जो एक नए बिहार का निर्माण करेगी, एक ऐसे बिहार का निर्माण करेगी जो बिहार भारत के किसी भी प्रांत के साथ, बिल्कुल जब प्रांत के साथ जाकर के उससे लोहा ले सके, उससे प्रतियोगिता कर सके। बीजेपी को किसी के चेहरे की जरूरत नहीं पड़ेगी बिहार में, इतनी मजबूती के साथ बीजेपी दावा कर सकती है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अपने जिन सहयोगियों को साथ लेकर चल रही है उन्हीं सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ेगी और अपनी सरकार बनाएगी, और इस सरकार या सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, और ये सरकार बिहार के लोक कल्याण के लिए होगी, आम आदमी के कल्याण के लिए होगी, किसी के परिवार के कल्याण के लिए नहीं होगी। बहन जी, भतीजा जी, चाचा जी, मौसा जी, मामी जी, इनके लिए नहीं होगी, फूफा जी, फूफी जी, इनके लिए नहीं होगी। ये सरकार बिहार के आम आदमी के लिए होगी, ये सरकार परिवार को भर के समृद्ध करने के लिए नहीं होगी, ये सरकार बिहार को समृद्ध करने के लिए।
क्लेशी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो कल बीजेपी का जो घेराव का कार्यक्रम है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर होगा और इसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। हमने आपको दिखाया भी था पहले कि किस तरह से पोस्टरबाजी की गई है और पूरे पोस्टर से पटना की सड़कें, जो मुख्य सड़कें हैं, वो पट गई हैं और कल घेराव कार्यक्रम होगा। सरकार को घेरने की कोई भी कोशिश बीजेपी जाने नहीं देना चाह रही है और इसी को लेकर तेजस्वी से इस्तीफे की मांग, शिक्षकों का मुद्दा, कई मसलों को लेकर कल एक बार फिर से राजधानी की सड़कों पर हंगामा नजर आएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।